मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगी? ऑफ कोर्स, कांग्रेचुलेशंस। दीपिका मुझे सच सच बताओ, एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैंने तुम्हें अपनी कैबिन से बाहर आते हुए देखा। वो हार्ड डिस्क जो मेरे ड्रॉवर में थी वो मेरे डेस्क पे पड़ी हुई थी। तो मेरी बनाई हुई प्रेजेंटेशन कहाँ गई? अगर मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ तो यकीन कर पाओगे मेरी बात का? बोल। जब मैं अपने डेस्क पे गई और ड्रॉ खोला तो तुम्हारा हार्ड डिस्क उसमें रखा हुआ था। और जब मैंने वो हार्ड डिस्क चेक किया तो वो हार्ड डिस्क ब्लैंक था। तो मैंने अपने डिजाइन तुम्हारे हार्ड डिस्क में कॉपी कर दिए। और जैसे ही मैं तुम्हारे कैबिन से निकली तुमने मुझे देख लिया। ये तुम क्या कह रही हो दीपिका? ये कैसे हो सकता है? किसी की तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है इस ऑफिस में? तुमने रिसेंटली ऑफिस ज्वाइन किया है, कोई तुम्हें क्यों फंसाना चाहेगा? आई डोंट नो अभिमान, मैं भी तो यही समझने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं पता मुझे, हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स में कोई ऐसी बात हो जो हम नहीं समझ पा रहे। एनीवे, तुम क्रिएटिव डायरेक्टर बन गए ना, बस मैं बहुत खुश हूँ। तुम भी तो क्रिएटिव डायरेक्टर बनना चाहती थी। मैंने तुम्हारी आंखों से तुम्हारा सपना छीना है दीपिका, तुम इतनी खुश कैसे हो सकती हो? it's strange. ओ मिस्टर, इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान से आप कुछ भी छीन सकते हो पर उसके सपने नहीं। हाँ, मैं क्रिएटिव डायरेक्टर बनना चाहती थी और वो तो मैं बन के रहूंगी, पर सही वक्त आने पे। अभी के लिए मैं तुम्हारे अंदर काम करके कितना कुछ सीख सकती हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड दीपिका, तुम हर बात को ऐसे हंसी में कैसे उड़ा सकती? मैं अभी जाकर रत्ना मैम को सब बता रहा। रुको, देखो जिम्मेदारी उठाने से पहले ना हमें खुद के कंधों को भी मजबूत करना पड़ता है। और वैसे भी तुम्हारे अंदर काम करके मुझे बहुत फायदा है, मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। मुझसे मौका मत छीनो प्लीज। आई मस्ट टेल यू, तुम्हारी डिजाइन आउटस्टैंडिंग थी दीपिका। कोई नहीं कह सकता कि वो किसी न्यू कमर के डिजाइन थे। They were fabulous. Thank you. See you. Bye. वैसे तुम कल दोपहर को क्या करी? कुछ खास नहीं, क्यों? कल दोपहर को 1 बजे बाहर लंच पर मिलोगी। लंच पर क्यों? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा दीपिका, कोई इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने। 1 बजे पहुंच पाओगी? Whatever you say, boss. हाँ, वैसे टेक्निकली मैं तुम्हारा बॉस, लेकिन टेक्निकली मैं तुम्हारा दोस्त भी। टेक्निकली ये बात आप याद रखें, क्योंकि इसका मतलब है नो मोर फाइटिंग। कूल, नो मोर फाइटिंग ना। नो मोर फाइटिंग, लेकिन अगर मैं कोई गलती करूंगी तो भी तुम मुझे डांटोगे नहीं? तुम मुझे डांटने का मौका मत देना। हेलो, तुम इतने खड़ूस हो ना कि मुझे डांटते ही रहते हो, मैं गलती करूं या नहीं करूं? देखो, अभी हमने डिसाइड किया ना कि हम नहीं लड़ेंगे, सो प्लीज। वो सब तो ठीक है पर क्या? सो सी यू टुमारो। एक और बढ़ने लगे हैं, एक डोर बंधने लगे हैं, एक शोर करने लगे हैं। इन बातों पे मुझे यकीन तो हो रहा है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि मम्मी जी ऐसा कुछ कर सकती। और जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिल जाता, मैं इस तरह से उन पर शक नहीं कर सकती। ये मौका अच्छा है भगवान जी, बस इन्हें 5 मिनट और ऐसे बिजी रखना। नेगी बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं? Thank you.
या हेलो मैम। हेलो मिस्टर नेगी को फोन लगाना। या मैम या ओके जस्ट अ सेकेंड। हेलो हेलो हाय मिस्टर नेगी। हाँ जी मिसेस रॉय आपसे बात करना चाहती है। हाँ प्लीज कनेक्ट। या जस्ट अ सेकेंड। थैंक गॉड मैम आपने फोन कर लिया। आई एम सॉरी मैं आपको बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रहा था। नहीं मुझे लगा कि बात बहुत सीरियस है इसलिए तुरंत आपको बता दूं। दरअसल बात यह है मैम आपकी बहू सोनिया जी ने मुझे मार्केट में देख लिया था और उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि उन्हें हम पर शक हो गया है। उन्हें ये शक हो गया कि मैं और आप मिले हुए हैं। हेलो हेलो मैम आप सुन रही हैं ना। और मैम अगर सोनिया जी को हम पर शक हो गया है तो उन्हें ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि मुझे ऑफिस से निकलवाने का आपका असली मकसद क्या था। वो ये समझ जाएगी कि मुझे ऑफिस से निकलवाया ताकि आप दीपिका को मेरी पोस्ट का लालच दे सके। आपको ऐसे लग रहा था कि दीपिका ये पोस्ट पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और आप इसी बात का इंतजार कर रही थी कि दीपिका ऐसी कोई गलती करे ताकि वो सोनिया जी की नजरों में गिर जाए। उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि उस दिन पार्टी में अंजलि ने शराब नहीं पी थी बल्कि मेरे भेजे हुए दो लड़कों ने आपके कहने पे उनकी सॉफ्ट ड्रिंक में शराब मिक्स कर दी थी। अंजलि को देखे उसे नशे में समझकर उसके ऊपर नाराज हो जाए। मैडम आपने मुझे ये भी बताया था कि वो खुशी का वो एनिमेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के बारे में सोनिया जी को नहीं बताने के लिए। वो मैंने सोचा कि पहले सारे इंस्टीट्यूट के बारे में पता कर लूं फिर आपसे बात करूं। ये प्रोस्पेक्टस मेरे लिए रत्ना आंटी ने मंगवाए हैं। मैडम मैं जानता हूँ आप सोनिया जी की बहनों को पसंद नहीं करती और आप चाहती हैं कि वो सोनिया जी की नजरों में इतनी गिर जाएं कि वो खुद उन्हें घर से बाहर निकाल दें। इसलिए आपने जैसे कहा जो कहा मैंने किया आपके लिए मैम। मैम मुझे अब बहुत डर लग रहा है अगर सोनिया जी ने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो। मैम अभी मैं पुलिस के चक्कर में फंसना नहीं चाहता मैम प्लीज। हेलो मैम। हेलो मैम आप समझ रही हैं ना मैम। हेलो मैम समझ रही हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने बरसों आपका नमक खाया है आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है इसलिए आपके एक इशारे पे खुशी खुशी नौकरी से निकल गया और आपने मेरा पूरा ख्याल भी रखा मैम। मैम आपको आगाह करना मेरा फर्ज है मैं आपको ये सब पर्सनली आके बताने वाला था पर अब सोनिया जी को हम पर शक हो गया है हमारा मिलना ठीक नहीं होगा। डैम इट कब से फोन करके डिस्टर्ब कर रहा था और अब हम ट्राई करें तो बिसियार। सोनिया हमने कुछ पूछा है। सोनिया हम कब से तुमसे पूछे जा रहे हैं तुम हमारे ऑफिस में क्या कर रहे हो और इस तरह बुत बनी क्यों खड़ी हो। क्या बात है सोनिया आई एम गेटिंग वरीड इज एवरीथिंग ओके। क्या सोच रही है सोनिया अब तो सारी सच्चाई तेरे सामने है अब तो तुझे मम्मी जी से बात करनी ही होगी। सोनिया जी आप क्या
राघव जी, जी वो दीपू के लिए आज बहुत बड़ा दिन है ना, तो मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा उसे ऑफिस में आके एक बार मिल लूं। आपने बहुत अच्छा किया सुनिया जी। इनफैक्ट मैं भी तुम से यही पूछने आया था कि हमारा नया क्रिएटिव डायरेक्टर कौन है। मैं भी कितना पागल हूं ना, मैं पूछ रहा हूं, ऑफ कोर्स वो दीपू ही होगी। एक्चुअली आज दीपिका और अभिमान दोनों प्रेजेंटेशन दे ही नहीं पाए। दे नहीं पाए? इसका इसका मतलब है कि आज सिलेक्शन नहीं हुआ? सिलेक्शन तो हुआ, हमने रॉयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अभिमान को चुना है। एक्चुअली हमने उसे ये पोस्ट उसकी सीनियोरिटी और एक्सपीरियंस की बदौलत दी है, और फिर दीपिका की तो करियर की शुरुआत है ये राघव, उसके लिए तो ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे आगे, क्यों सोनिया? सोनिया जी क्या कहेंगे मैं? जब वो इतनी सरप्राइज है तो पता नहीं दीपू का क्या हाल हो। उसने उसने बहुत मेहनत की थी इस पोस्ट के लिए, बहुत अपसेट होगी। सोनिया जी हमें हमें ये सब कुछ भूलकर दीपू को सपोर्ट करना होगा। एक काम करते हैं, हम शाम को मिलकर उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं। आप घर जल्दी आ जाइएगा, मैं भी यहां से जल्दी निकल जाऊंगा। हाँ सुनिया जी, मैं जानता हूं कि आप दुखी, लेकिन अगर हम लोग दीपू को एनकरेज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर वो आपको ऐसे दुखी देखेगी तो वो और दुखी हो जाएगी। सो प्लीज स्माइल कीजिए, स्माइल। जब मेरी बहनों के पास आप जैसे जीजू हैं, तो उन्हें तो कोई दुख छू ही नहीं सकता। मैं चलती हूं, शाम को घर पे मिलती हूं आपसे। एक्सक्यूज मी, मैडम ये लीजिए आप लोगों के कपड़े। कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? ये मेरा है। वाओ, यू नो व्हाट खुशी, इन कपड़ों के मामले में ना मेरा फैशन और तेरा स्टडीज ना बिल्कुल सेम हो जाते हैं। व्हाट सेम? तू सोच, अगर पहले के जनरेशन के लोग, वो लोग अगर ये पेड़ के छाल और एनिमल्स के खाल नहीं पहनते तो कैसे ये सब डिजाइनर कपड़े आते? टेक्निकली आप बिल्कुल सही कह रही है, सिविलाइजेशन में ना कपड़ों की बड़ी इम्पोर्टेंस है। राइट, तो कपड़े नहीं होते तो क्या मंकी जैसे घूमते? क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? जो तो दीपू की चिंता हो रही है, कितनी मेहनत की थी ना उसने क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, कहीं वो दुखी होके कुछ टेक्निकली रति दी सही कह रही है, दीपू दी सच में बहुत सैड होंगी ना। अरे तो क्या हुआ, हमारे दुबई में जब कोई लड़की उदास होती है ना तो वो शॉपिंग करके अपना दिल बहला लेती है, बड़ा पुराना नुस्खा है। तुम भी है ना, तुम्हारी दीदी को ये कपड़े दिखा दो, ऐसे चुटकियां बजाते हो खुश हो जाएगी। वाओ बाजी, गुड आइडिया, परफेक्ट। हमसे अच्छे तो जीजू है, कम से कम वो उसे खुश करने के लिए उसके फेवरेट पनीर टिक्का और कटलेट्स बना रहे, और हमें देखो। इसका मतलब दीपू सच में सैड है, सोचो सोचो कैसे उनको मनाया जाए। ये चुहिया मुझे पीठ पीछे भी दीदी नहीं बोल सकती। वैसे इन सब का
का अटेंशन पाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। मैं भी तो देखो, मेरी बहनें जो मुझसे इतना प्यार करती हैं, मुझे मनाने के लिए क्या क्या कर सकती है। Come on, दीपू, दिखा दे आज अपनी एक्टिंग का टैलेंट। दीपू, तू आ गए, हम सब तेरा कब से इंतजार कर रहे थे। हाँ। दीपू वो आज सीडी की। अब रति दी। हाँ सीडी, अब सीडी सीडी तू आज सीडी से ऊपर मत जा। हाँ। सीडी से ऊपर मत जा मतलब पागल हो गए हो तुम लोग क्या? उड़ के जाओ। ऊपर जाने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ हमारे साथ बैठ के बात कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। नहीं मेरा मूड नहीं है। दी आपका मूड नहीं है तो हम आपका मूड बना देते दीपू। आई मीन दीपू दी। वाह आज तो दीपू दी नॉट बैड। दीपू हाय बेचारी देखो तो कितनी दुखी है। अब भाभी ने इसे क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट ना देकर इसके पैरों के नीचे से जमीन जो खींच ली है। चलो हम लोग कार्टून से लेके आज। अरे नहीं 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 छोड़ अरे अब चलिए ना। अब वो ई शॉपिंग तरह बहुत सारे कपड़े आए। अरे अरे नहीं अरे व्हाट अ बोरिंग। हम लोग ना लेटेस्ट टैग सुनते इंटरनेशनल ऑर्डर करके। अरे पापा इसमें जाएगा मतलब दीपू का क्या मन है ये भी तो पूछ लो ना। दीपू बता बता तेरा क्या मन है? हम वही करेंगे। मैं ना वो मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ। दीपू अंजलि दीपू तो तुझसे सारी बातें शेयर करती है ना तू जाके उसको समझाना। हाँ रति दी मैं जा रही हूँ टेंशन मत लो। हाँ दीपू दी पहले तो आप अपनी एक्टिंग बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट आपके हाथ से निकल गई तो आप सैड नहीं हो? दीपू मैं बहुत सैड हूँ। आई मीन इतना सैड होने वाली बात है? आई मीन सोच क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट इतनी बड़ी पोस्ट रोज रोज किसे मिलती है? आई न्यू इट दीपू दी। I'm sorry. But मैं क्या करूं यार तुम लोगों को उल्लू बनाने का मौका कभी कभी तो मिलता है मुझे पर सीरियसली तुम लोगों में दिमाग नहीं है। आई मीन क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट कौन सी बड़ी बात हो गई? इसे ये किसे मिलती है क्या फर्क पड़ता है? इसमें इतना सीरियस होने वाली कौन सी बात है? सीरियस होने वाली बात है। पहले आप मुझे ये बताओ ये पोस्ट मिली किसको है? अभिमान को। अभिमान टॉल हैंडसम एक्सप्रेसिव आंखों वाला बंदा राइट? बहुत एक्सप्रेसिव आंखें। क्या क्या बोला? ये बैग कहाँ से है? आंटी जी ने दिया है आज की पार्टी के लिए। आपको पता है रत्ना आंटी है ना वो बहुत अच्छी है। पता है वो मेरे लिए बहुत सारा केक और चॉकलेट आई थी लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं हफ्ते में एक ही बार खाऊंगी। ये प्रोस्पेक्टस मेरे लिए रत्ना आंटी ने मंगवाए हैं। गीली मिट्टी का अपना कोई आकार नहीं होता उसे जिस सांचे में ढालो वो उसी का आकार ले लेती है। मम्मी जी ने भी मेरी बहनों को जैसे चाहा वैसे ही ढाल लिया। हमें इस घर के तौर तरीके सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा पर मुझे यकीन है अगर आपका साथ और आशीर्वाद हमें मिलेगा तो ये सब हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आप हमारी मदद करेंगी ना? इसका मतलब मम्मी जी ने कभी भी हमें दिल से अपनाया ही नहीं था। ये प्यार ये अपनापन बस एक दिखावा है ताकि राघव जी को बुरा ना लगे।
और अब जबकि मुझे पता है कि मम्मी जी मेरे और मेरी बहनों के साथ ऐसा कर रही हैं, तो मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? नहीं, ये बात मैं राघव जी से नहीं छुपा सकती, मुझे उन्हें बताना ही होगा। आज अगर मैंने आपकी सच्चाई राघव जी को बताई तो वो आपको इस घर को छोड़कर चले जाएंगे, इसीलिए मैं राघव जी से कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगी, आखिर क्यों आप मेरी ही बहनों को मेरी नजरों में गिराकर इस घर से निकालना चाहती? जब तक आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगी ना मम्मी जी, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। आखिर मेरी बहनों ने आपका बिगाड़ा क्या है?